योग गुरु बाबा रामदेव की ओर से बनाई गई दवा को कोरोना की दवा होने का दावा किए जाने के बाद अब कुछ संगठन भी उनके खिलाफ आ गए हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के झांसी में कई संगठनों ने मिलकर एसएसपी को एक ज्ञापन सौंपकर बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस दौरान स्थानीय निवासी भानु साहे ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल की धज्जिया उड़ाते हुए पदयंत्र रचा, बड़ा लाभ कमाने की नीयत से बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया था। देखिए, हम लोग बाबा रामदेव के खिलाफ में यहाँ ज्ञापन देने आए थे। उनकी यहाँ उनके ऊपर हम लोग चाहते हैं कि एफआईआर की जाए। एफआईआर इसलिए की जाए कि बाबा रामदेव एक संत हैं और संत को उनको संतत्व अपना रखना चाहिए। वो शुद्ध व्यापारी बन गए हैं, सिर्फ उनको एक पैसा कमाना ही नज़र आता है। इन्होंने पहले जो घी बनाया और अन्य तमाम जो प्रोडक्ट बनाए हैं उनमें सत्यता नहीं है, वो अशुद्ध हैं और वो मिलावट वाले हैं। लेकिन वो तो चलो खाने पीने की चीज़ थी, जो इन्होंने कॉरिनल बनाई है ये तो सीधी सीधी पूरे भारतवर्ष को डैमेज कर रही है। इन्होंने जो प्रचार प्रसार किया कि साहब आपको कोरोना नहीं होगा, आपको कोरोना होगा तो वो ठीक हो जाएगा, इन्होंने अपनी कीमतें रखी और जब इस पर जाँच बैठा ली तो बदल गया कि ये बूस्टर है। एक बात तो करो कम से कम, देश के लोगों के साथ खिलवाड़ ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर मत करो। आज पूरा देश संकट में है और बाबा रामदेव जैसे चोर उसका लाभ उठाकर पैसा कमाना चाहते हैं, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराते हैं। किसान रक्षा पार्टी के अध्यक्ष गौरी शंकर विधवा ने कहा कि बाबा रामदेव की कोरोना की दवा बना लेने के दावे के असर यह हुआ कि दूर दराज के गांव से किसानों के फोन आने लगे कि पतंजलि योग पीठ का बड़ा शोरूम झांसी में है, इसलिए उप शोरूम से जिस भी कीमत पर बाबा रामदेव की दवा मिल जाए उसे खरीद ले, वे आकर ले जाएंगे क्योंकि गांव वालों को खुद व अपने परिवार को बचाना है। देखिए, एसएसपी को बाबा रामदेव और चार अन्य के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल केंद्र सरकार ने बनाया है कोरोना को लेकर उसका खुला उल्लंघन करते हुए इन्होंने एक दवा बनाने की अपनी बात कही है, जिससे जो इस दवा को खा लेगा वो ठीक हो जाएगा और अगर दवा पहले से खा लो तो कोरोना नहीं होगा। तो इससे पूरे देश में एक अफरा तफरी का वातावरण हो गया। हमारे साथ गौरी शंकर विधवा जी आए हैं, सत्येंद्र पाल साहब आए हैं, पंकज रावत जी आए हैं और अशोक सक्सेना साहब आए हैं। अनेक टेलीफोन आने लगे विधवा जी के पास, खासतौर से गाँव के किसानों के, कि जिस भाव में भी आपको ये झांसी में मिल जाए दवा, ये दवा ले लो, हमें स्वस्थ होना है। तो ये क्या मजाक है, मिन्स में कैसे अपने यहाँ टेस्ट करा दिया, जबकि केजरीवाल को प्लाज्मा थेरेपी कराने की जब अनुमति मिली उसके बाद वो करा पाए। आपने 100 लोगों के जीवन से खिलवाड़ कैसे कर लिया। तो आज हम लोग एक एफआईआर देके आए हैं और इस उम्मीद से देके आए हैं कि ये एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो और उनको गिरफ्तार किया जाए। बता दें कि बाबा रामदेव की ओर से बनाई गई कोरोनिल दवा को कोरोना की दवा होने का दावा किए जाने के बाद काफी बवाल हुआ था। आयुष मंत्रालय की ओर से भी इस पर आपत्ति जताई गई थी। खैर, देखना होगा कि अब इस ज्ञापन के बाद पुलिस की ओर से इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। भारत 9 के लिए झांसी से अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट।